परवरिश देती हैं कि किसी और घर से जो लड़की है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बात माने, तो ये हर कोई नहीं दे सकता। देखिए पिचकाए लो इन्हें, लंगड़ा कोई हम होता है कूड़ा उड़ा सब दिया पूरा काम करने सही है। ऐसे हस्बैंड किस्मत से होते हैं और ऐसे भगवान की जी। देखो ये उसके साइज की नाप के लाए एकदम ले लगा, क्योंकि टाइम हो रहा है इन्हें जाना है और आज टाइम ज़्यादा ही हो गया। देखो 9:30 बज गए, 10 बजे ये जाएंगे। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम रेडी भी हो गए थे, खाना बना रहे थे, लंच तैयार है। लंच में ये देखो इसमें खाना रख दिया, कद्दू की सब्जी पराठा और इसमें पानी ले जाएंगे और एक में चने और वो क्या होती लाई वो रख दी। तो ये थोड़ा सा जब शाम को आते हैं उससे पहले खा लेंगे, तो क्योंकि यहाँ टाइम ही नहीं मिलता घर पे जो खाएं, तो ये सब रेडी हो गया। अभी गर्मी की वजह से पसीना निकल रहा बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं हस्बैंड कैसे कैसे लगा रहे हैं। जी देखो ये तब भी मजबूत है, अब ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, देखो नहीं, एक ही लाए दुई, ये नहीं आई है। देखो नाप के देख का ब्लर का आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप लोगों का वेलकम नहीं किया क्योंकि वीडियो अचानक से स्टार्ट कर दी, पता नहीं था ये टूट गया है क्या हो गया है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, और बहुत कुछ है इस वीडियो में, मैंने बहुत सी बातें भी की हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। ओके गलत आ गई है बहुत बुरी तरह से काम में लगे। काम इसलिए कर रहे हैं, मिस्त्री ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हाँ उन्हें ये लेके जाओ, दिखा के आओ, फिर बुला के आओ। कूलर ये भी खराब हो गया था ना, तो कूलर कह रहे कि लेकर आओ, इतना बड़ा कूलर कैसे लेकर जाएं, और फिर तुम कह दो कि हम सही नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर बुला लिया था कि उसको घर पे, वो बहुत अच्छे से कर गया था। अभी लगा तो देते मिस्त्री भी, लेकिन वो ये कह ये नहीं वो नहीं, तो सही है ना, अपना काम खुद कर ले, खुद कर सकते हो। तो तुमने सही कर दिया, वेरी गुड। पहले करत रहे का ये सब, कहाँ सीख गए, अब इनका दिमाग खराब करता है, गुस्सा आएगी अभी के। पहले करत रहे थे का प्लम्बिंग का, नल वल सही करवा लो, का सही नहीं लगता, लगी तो नहीं, हम वीडियो बनाने लगे थे, तो काम में लगे, मेरा भी काम है ये कोई। और अभी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है मीशो ओवर की, तो उसके लिए पता है इतनी गर्मी हो जाती है। अब 10 बजे हम फ्री हुए हैं, तो अभी लेकिन मेरे रूम में देखना धूप आ गई है। अब यहाँ बैठ के अगर हम बनाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, बाहर इसलिए नहीं बनाते, एकदम कोई आ जाएगा फिर सेटअप सारा हटाना पड़ता है, इसलिए। तो सोच रहे हैं थोड़े मौसम ठीक हो, ठंडा हो, तब बनाएं। बाकी सुबह के सारे काम हो चुके हैं, चाय नाश्ता खाना पीना, रोटी भी बना के रख ली, इनके लिए पराठे बना दिए, और खाने में आज बनाया था लौकी नहीं कद्दू और पराठा। और बाकी शॉर्ट वीडियो आते हैं, मतलब मिनी ब्लॉग, तो देखना मैं डालूंगी एक, तो क्योंकि खाना तो डेली बनता है बट डेली वीडियो नहीं बना पाते खाने की, तो मैंने सोचा मिनी ब्लॉग बनाने लगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरी शक्ल बहुत बेकार रह गई आज, थके हुए हैं ना अभी सुबह से काम में लगे हैं। कैसा लग रहा अच्छा लग रहा। और हाँ वो वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच, फ्रेंड वाली मस्ती वाला लग पाया। अब कहाँ जा रहे हैं, छपे गए लकड़ी लकड़ी सब रख के जाएंगे, लग गया प्रॉपर, देखो सही लग गया देखो एकदम।
वैसे इस पाइप को बांध देना वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर वो पाइप गंदा भी नहीं होता और जल्दी टूटता भी नहीं है। उस पाइप को पाइप में बांध देंगे। झाड़ू, हस्बैंड से आज हमने झाड़ू लगवाई, देख तो वीडियो और बन नहीं है। दही लेना तो दही हो। अच्छा देख, कूड़ा उड़ा सब भर दिया, पूरा काम करने सही है। ऐसे हस्बैंड किस्मत से मिलते हैं। और शिव भगवान की पूजा करने आते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई शिव भगवान की पूजा करने लगो। वैसे हमने नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे मिल गई, इन्होंने की थी ना, इसलिए कोई एक करेगा उसका फल एक को तो मिलेगा ही। हो गया, अब का कन जा रहा है। ओ देखो पसीना कितने हन गए, गड़ी देखा जा रहा है। और इनके ऑफिस में 4 एसी लगी हैं, एसी में बैठे रहते पूरे दिन। कोई कहेगा एटीट्यूड है, लेकिन हर जगह नहीं, घर में नहीं। एसी में बैठते हैं। धोए क्यों देख ली, हो गया कंप्लीट। कुछ कहना चाहेंगे हस्बैंड लोगों के लिए? थक गए, सांस फूल गई, ऊपर नीचे गए बार बार बेचारे। बाकी हम जरूर कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि काम करने से घर में, और बीवी की जो भी बात कहते हैं हम लोग वो मानने से कहते हैं कि ये चिमटे हैं या फिर बीवी के गुलाम है। ऐसा नहीं है, बच्चों को सभी लेडीज अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देती हैं कि किसी और घर से जो लड़की है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बात माने। तो ये हर कोई नहीं दे सकता है, वो जो देती हैं उनके बच्चे ऐसे होते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, मैं सासू माँ ने ऐसा बोला कि अपनी वाइफ को खुश रखो। और मेरे हस्बैंड की भी आदत है, तो ये सबकी आदत नहीं होती है। काम करने से कोई क्यों गुलाम हो जाता क्या? सुनने तो हर चीज़ में पड़ती हैं, इसलिए हम सुनते ही नहीं। अगर वाइफ पूरा काम कर सकती है तो हस्बैंड क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? दोनों लोग ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो भाई ये तो संस्कार सबसे आगे आते हैं। काम करने से कोई गुलाम या चिमचा नहीं बन जाता है या इज्जत करने से, सही है? तो अपनी बीवी की इज्जत करें, सम्मान करें, उतना ही बीवी लोग भी अपने हस्बैंड की करें, तभी घर और गृहस्थी और जीवन अच्छा चलता है। नहीं तो अगर आप एक दूसरे की रहेंगे, वो मेरी करें या हम करें, या हम वाइफ हैं या वो हस्बैंड है, तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। हम लोगों के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो नॉर्मल है, कभी ऐसा नहीं होता कि महासंग्राम हो। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, तो वही है। इसीलिए मुझे दिखाने में भी कोई शर्म नहीं लगती कि हस्बैंड काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं। हमने भी खाना बनाया, नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया, तो वो मेरा काम था। अभी ये लगाना तो इनका काम था, बाकी हाँ सफाई साथ में इन्होंने कर दी, वो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम भी थके हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मेरा काम है। तो बस इसीलिए, तो ऐसे ही दोनों लोग अगर साथ देंगे, हाथ में हाथ मिला के हाथ पकड़ के चलेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्यों? अच्छा मेरी जान है जान, तो आप पेट खुद निकल लो, देखिए पिचकाए लो इनने। कहीं नहीं, सही करो, नहीं दिखा लें दो पेट, बहुत कम तो निकला था, आल चक जाता है, निकला नहीं है ज़्यादा, थोड़ा और निकला है। हम भी सोच रहे थोड़े मोटे हो जाए तो एज देने लगे हैं। बाकी चलो वीडियो एंड करें क्या? अभी ये रेडी, यही सब पहन जाओगे बाबू, शर्ट चेंज कर लो प्लीज़। हाँ अच्छी नहीं लग रही, पसीना सीना नहीं दीजिए कपड़े इनसे, कमेंट में कहना रोज़ डेली इतने कपड़े हैं लेकिन ये पहनते ही नहीं है। एक शर्ट, दो शर्ट 7 चलाते हैं। तो जो भी मेरे क्लोज सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलना, इनका नाम लेके कहना कि आप कपड़े एक शर्ट 2 पहने, उसके बाद फिर चेंज करना। हाँ गंदे बिल्कुल नहीं करते ये, चाहे 7 पहने चाहे 8, बट उनको चेंज करते जाए ना, वो ज़्यादा अच्छी। गर्मी है अभी, अभी यही शर्ट पहन के चले जाते हो ऑफिस, ऐसा करते हैं। तो अभी चेंज कर लो, व्हाइट पहन लो, या सारी प्रेस कहीं रखी हैं। व्हाइट शर्ट ले आओ, पानी दे।
पानी जे रखा कहाँ रखो? बोतल में तुम्हारी? अरे पिए हैं और कुछ नहीं रखा। अच्छा ठीक, लाया रहे पानी दे रहा है। तो अभी आम खा रहे हैं, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। कौन सा आम है जी? लंगड़ा। लंगड़ा ही है। लंगड़ा कोई आम होता है? हाँ। कैसा लंगड़ा? कहाँ है लंगड़ा? लंगड़ा आम होता है, मीठा ज्यादा होता है। अपनी खाली पीस दिखाइए उधर, इधर करके ये देखो खा रहे हैं। गुठली हम खा रहे हैं, गुठली जे चूस नहीं पाते क्योंकि इनके बीच में दांत में गैप है। हवा निकल जाती है। ये लंगड़ा है, है? और कौन से लाए थे तुम शाम को? दशहरी लाए थे, रखे हैं। उसका मैंने मिनी ब्लॉग बनाया है, आप देखना, क्योंकि हर चीज वीडियो में नहीं बना पाते तो हम ये अच्छा आइडिया है, मिनी ब्लॉग बना देते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, मेहनत तो सब नहीं लगती है, बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए तो मेहनत जो है ना वो सफल हो जाती। तो मीठा है वैसे, सब लोग हम खा चुके होंगे। किस किस को आम पसंद है कमेंट करके था, हमें बहुत अच्छा लगता है। खा लिया? अभी 9 बजने में 15 मिनट है, रेडी हो जाएंगे। धूप आ जाती मेरे रूम में। दुकान वाले हैं गलत हो बताओ, वो गलत बताओ तो हमने गलत बताओ, तो तीसरे नंबर को निकलो जो मेरी आंखें जब मैं ये को गाय जा रही हूँ। चलो अभी मिल रहे हैं जी, जा रहे हैं ऑफिस, इन्हें ड्रॉप करते हैं, निकलो। बहू निकल नहीं रही कमरा में से, आओ। चलो चलो बंद कर लिए हैं। आंटी कह रहे तरबूज खाओ, वो देखो ब्लैक ब्यूटी लग रहा है। बाय गाइस, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, पानी वानी पीते रहिए, और सुबह मॉर्निंग में ही सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। फिर वीडियो वगैरह बनाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ वो बाद में, लेकिन जो खाने वाला काम होता है ना वो मैं सुबह 10 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन में बहुत गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे बस बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, आगे वीडियो में बने रहना, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप लोग ही मेरे साथ हैं तो साथ रहिए और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिए। तो यहाँ पे बस बर्तन हो गया है कम्प्लीट। वो चले गए तो उसके बाद बर्तन तो रखे, अभी कपड़े उठा लेते हैं। धूप देखो 10 बजे हैं अभी, सब सूख गए, सुबह नहाए थे वो वाले पेड़ पौधे, इतनी धूप में भी इनमें दोनों टाइम पानी लगाते तब ये इतने हरे रहते हैं, बाकी फूल वूल सब खिल रहे बेचारे में। ये गीली कपड़े ये सुबह वाले उठा लिए, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी सारा काम हो गया, सब कुछ देखो, बर्तन दूध खाना वो रखा बना हुआ, बाकी मम्मी जी बाहर भजन भजन सुन रही हैं अपने फ़ोन में, और देखना करेक्ट 10 बज गए,
पसीना देखो, करेक्ट 10 बज गए हैं, पंखा और चला ले, फिर आप लोगों से बात करें, बने रहना अभी तो। हाँ, कुछ लोगों को मेरी वीडियो शायद नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं रियल वीडियो बनाती हूँ, इसलिए बनावटी नहीं बनाती हूँ कुछ भी, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट सब लोगों को, जो और लोग हैं, उनको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे अच्छा लगता है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। बाकी आप लोगों ने कमेंट किए थे बहुत अच्छे अच्छे जो इससे पहले वीडियो गया है उसके लिए, और बहुत सारी बधाई भी दी थी, तो थैंक यू सो मच मैम की तरफ से मैं बोल रही हूँ। वैसे मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया है, और मैम को भी बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। बाकी वो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग हमेशा क्लोज रहते हैं। कल शाम को भी वो आई थी, बट मैं वीडियो नहीं बना रही थी, नहीं तो मैं बनाती। दोनों लोग आई थी, तो अभी यहाँ बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग जुड़े रहना। बाकी जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो रेडी होने का, तैयार होने का, नए नए कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँगी, तो आप लोग प्यार देना, सपोर्ट करना। और बस यही कहना चाहूँगी कि घर में काम करने से हस्बैंड गुलाम या चिमचे नहीं बन जाते हैं, या वाइफ की बात मानने से या वाइफ के साथ हाथ बटाने से ये नहीं होता है कि वो उनके बिल्कुल आगे पीछे घूमते हैं, नहीं, सभी लोग करते हैं। आपकी बेटी हो तो आप भी चाहेंगे कि मेरी बेटी खुश रहे, वैसे ही जब हस्बैंड उनको खुश रखेंगे, किस आपकी बेटी जिसके घर जाएगी, उनके लड़के जब आपकी बेटी खुश रखेंगे तभी तो वो खुश रहेगी। ऐसे ही जब बहू घर में आती है तो वो भी किसी की बेटी होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे घर में बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट मेरा करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपनी इच्छाएं माननी पड़ती हैं, या जो मुझे पसंद है मैं नहीं कर पा रही हूँ, या ले नहीं पा रही हूँ, या पहन नहीं पा रही हूँ, या फिर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, या घूम नहीं पा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो वो अगर आप करके चलेंगे तभी खुश रहेंगे, क्योंकि जीवन में सबको सब खुशियां नहीं मिलती हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उनको एक्सेप्ट करें और खुश रहें, तभी आप खुश रह पाएंगे, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बस यही है आज की मेन बात। तो बाकी हस्बैंड जी चले गए, सासू माँ लेटी हैं, मैं भी लेट के वीडियो एडिट करूँगी, तो उसके बाद फिर खाना हम लोग 1-1.5 बजे खाएंगे, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ी सी भी बात मेरी अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर किसी को हर्ट फील हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना छोटा समझ के। वहाँ बैठे के आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम भी रखेंगे, बाय। लड़के काम करने से गुलाम नहीं होते हैं, अपने ही घर में काम करने से क्या प्रॉब्लम है, आपका खुद का घर है ना, वो लड़कों का खुद का घर होता है। हम लड़कियाँ आते हैं अपना घर छोड़ के और इसको अपना घर मान के काम करते हैं और सब कुछ करते हैं। अगर लड़के काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका खुद का ही तो घर है, खुद के माँ बाप हैं, सब लोग उनके ही हैं, हम उन सब लोगों को अपना मान के काम करते हैं, सब कुछ अपना समझते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर काम कर भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बीवी का गुलाम होने वाली कोई बात नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगी, इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना, मैं हर लड़के और लड़की के लिए बोल रही हूँ, बाकी मैं स्पेशल अपने लिए या किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ नॉर्मल है, सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से जीवन व्यतीत होगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कैसा होगा, गुस्सा दोनों को ही आती है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि वही काम करें, या काम की बात नहीं, हर चीज़ में, मतलब काम से मतलब ये नहीं है कि खाना झाड़ू पोछा करें, हर एक चीज़ में दोनों लोगों को साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। और अब बहुत सारा ज्ञान आज दे दिया मैंने, बहुत से लोगों को ज्ञान ही लगेगा, बट ये बात एकदम सच है। तो इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, बाबा टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वानी पीते रहिए, और खुश रहिए हमेशा, और खुश रखिए दूसरों को भी। बाय, टेक केयर।